हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित कुछ बेसिक्स जानकारी, एग्जाम पैटर्न और नंबर्स के बारे में हम डिटेल्स से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिटेल्स के बारे में, जैसे कि एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होता है, इंटरनल में कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल वाइबा फाइल्स कैसे कितने मार्क्स के होते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में कितने सेक्शन के होते हैं और कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मार्क्स डिटेल्स के बारे में। तो मैं आपके सामने एक बीएड फर्स्ट ईयर का ये मार्कशीट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपके टोटल पांच जो सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके पांच सब्जेक्ट्स 80 नंबर का आपका रिटेन होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, देखिए 80 नंबर का आपका रिटेन होता है जब हम जो हम पेपर देने एक्सटर्नल में जाते हैं, वो टोटल 80 नंबर का होता है। और आप में से जितना नंबर अटेंड करेंगे आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है। 20 नंबर कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है, वो आपके मिड जो टेस्ट होते हैं एग्जाम इंटरनल टेस्ट, उस हिसाब से उस बिहाव पे आपको 20 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलता है। अब 20 में कॉलेज चाहे जितना दे दे, इस स्टूडेंट को 20 में से 19 नंबर हर सब्जेक्ट में मिले हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। 80 नंबर का लिखित पेपर होगा, एक्सटर्नल पेपर जो हम सेंटर पर जाकर देंगे, और 20 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। तो इस तरह से 80+20 यानी कि 100 नंबर का हर एक पेपर होगा और 500 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा, मतलब 500 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइल्स और प्रैक्टिकल के बारे में। तो देखिए, प्रैक्टिकल में दो टाइप्स के आपके मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल में आपको दो टाइप्स के मार्क्स मिलते हैं। पहला कौन सा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 150 नंबर का होता है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे महाविद्यालय में आते हैं, हमारे फाइल्स चेक करते हैं, हमसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम रिप्लाई करते हैं, उस भी हाफ पे एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होंगे वो हमें 150 के अंदर मार्क्स देंगे। तो 150 मैक्सिमम मार्क्स होता है और वो हमें एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आते हैं उसके भी हाफ पे हमें मिलता है। बाकी कॉलेज हमें 50 नंबर प्रोवाइड कराता है, 50 नंबर में जितना कॉलेज का विश हो, कॉलेज हमें 50, कॉलेज की तरफ से हमें 50 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से जो टोटल प्रैक्टिकल हुआ वो 150+50 यानी कि 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इस तरह से टोटल फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स होते हैं वो 700 नंबर के होते हैं। 700 में कौन कौन से? 700 में 500 आपका पेपर का हो गया, थी सब्जेक्ट्स के होंगे 500 आपके सब्जेक्ट्स के हो गए, और 200 जो नंबर हैं 200 नंबर आपके फाइल के सॉरी प्रैक्टिकल के हो गए, ठीक है। तो टोटल इस तरह से फर्स्ट ईयर में हमारा 700 नंबर का पेपर होता है, ओके। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम्स में सवाल कैसे आते हैं, किसने सेक्शंस में रहते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि जो एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर मिलेगा वो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए को आप यहाँ देखिए ध्यान से। सेक्शन ए आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, टोटल 80 नंबर का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है। हाँ, हो सकता है कोविड की वजह से इस साल का पेपर 1.5 घंटे का हो, लेकिन मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, ऑफिशियल सूचना आने के बाद ही कोई इस पर टिप्पणी की जाएगी। तो अभी तक 3 घंटे का पेपर होता था 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर में, और सेक्शन ए ऐसा रहता था। सेक्शन में आप ए में ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता था जिसके अंदर 10 सब क्वेश्चन होते थे, मतलब 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। इन 10ों को आपको सॉल्व करना है, 10ों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, यानी कि टोटल सेक्शन ए 10 नंबर का होगा और आपको 10ों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। शब्दों में कितने? 25 शब्दों में, यहाँ पे दिया है लगभग 25 शब्दों में। सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको देना है। 25 शब्द यानी कि 1, 2, 3 लाइन में आपको आंसर देना है। एक में भी दो दे सकते हैं, 1 से 2 से 3 लाइन में। अब वो कहते हैं ना कि जितनी मजदूरी उतनी मेहनत। अब एक नंबर के सवाल में अगर आप पूरी पेज लिखेंगे तो ये कहीं से समझदारी की बात तो नहीं हुई, मगर हाँ, अगर कोई आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप इतने ही में लिखें, मगर हाँ, एक नंबर के क्वेश्चन में आप उतना ही लिखिए जितने में आपको एक नंबर मिले, और ज़्यादा लिखने से भी एक ही नंबर मिलेगा, कहने की बात यह है। तो ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और हर क्वेश्चन को लगभग 25 शब्दों में आंसर करना है, ओके। चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 को थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। सेक्शन 2 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये क्वेश्चन किया तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, अगर आप ये कर लेते हैं क्वेश्चन तो आपको अगला वाला क्वेश्चन छोड़ देना। नेक्स्ट पे आ जाइए, थर्ड में भी सिमिलरली आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक करिए एक छोड़िए। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जिस क्वेश्चन को लगे कि मैं बेस्ट रिप्लाई कर सकता हूँ, आप उस क्वेश्चन को रिप्लाई करिए, ठीक है। इसी तरह इन पाँचों में आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं तो किसी एक को करना है, अथवा इन दोनों में से किसी एक को करना है, इन दोनों में से किसी एक को। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, यानी कि सेक्शन बी टोटल 40 नंबर का होगा, और आपको इसका आंसर देना है 200 शब्दों में, लगभग 200 शब्दों में। लगभग लिखा है, इसका मतलब शर्त नहीं है, आप वर्ड्स गिन के मत दीजिएगा। 200 शब्द का मतलब आप 2 पेज या 2.5 पेज लिख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज लिख लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो दो पेज का मतलब एक साइड इधर का, एक पन्ना वाला पेज, ठीक है। तो 200 शब्दों में लगभग आपको आंसर देने हैं, और फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि 2 में से कुछ। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देखिएगा,
ऐसा नहीं कि आप अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों नहीं कर सकते। अगर इन ये भी आ रहा है आपको, अगर आपको ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, फिर भी आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। ओके, तो ये होगी बात हमारी सेक्शन बी की। से अभी तक कितने नंबर के हो गए हैं, 40 नंबर का ये और 10 नंबर का वो, 50 नंबर हो गए। बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको किन्हीं दो प्रश्न को करना है, लगभग 500 शब्दों में, 15 नंबर का एक प्रश्न। इसमें कोई बाध्यता नहीं, इसमें चार प्रश्न आपको दिए हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों में से जो दो चाहे आप चाहे कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ये दोनों कर लें, अगर आप चाहें तो ये दोनों भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये दोनों कर लीजिए। जो भी आपका विश हो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं सेक्शन सी में। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में आपको जो भी विश करे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई सेक्शन सी की बात। ये इसमें दोनों क्वेश्चन में 15-15 यानी 30 नंबर के ये सवाल होंगे। तो 30 नंबर ये, 40 नंबर आपका ये, 70 नंबर और 10 नंबर आपका ये, 80 नंबर। 80 नंबर का फाइनल पेपर होता है आपका रामनगर लोहिया विश्वविद्यालय बी एड फर्स्ट ईयर में, ठीक है दोस्तों। ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी, और आपको मैंने समझा दिया कि आपको फाइल्स में प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं। तो प्रैक्टिकल 150 यानी कि 200 नंबर के मार्क्स होते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो आपको साथ शेयर कर दिया। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।